गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। लेट अस लर्न अबाउट एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, एनिमल दैट ले एग्स। दो तरह से एनिमल्स हम पढ़ेंगे, एक तो वो एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं और दूसरे वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, यानी कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो दो तरह की रिप्रोडक्शंस होती है एनिमल में, एक यंग वंस यानी कि चाइल्ड्स को बर्थ देते हैं, दूसरे एग्स, फिर एग्स से वो क्या होते हैं, उनके चाइल्ड होते हैं। तो ये कुछ अनस्क्रैम्बल हैं वर्ड्स, इनको आपने स्क्रैम्बल कर अनस्क्रैम्बल करना है जो दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वन से क्या बन सकता है, कार्निवोरस बन सकता है। वर्ड जो अल्फ़ाबेट है आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको आप करेंगे क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड पे है हर्बीवोरस, ये भी जो अल्फ़ाबेट है वो आगे पीछे दिए हुए हैं, तो इनको ऐसे अनस्क्रैम्बल करना है वर्ड्स को। चैप्टर रीड करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो अपने ही तरह के यंग वन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। द प्रोसेस बाई विच अ लिविंग बींग प्रोड्यूज यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग बींग्स अपने ही तरह के यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो हमारा चैप्टर ही रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन की यहाँ से आपकी डेफिनेशन बेटा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बींग भी एनिमल की ही कैटेगरी में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने ही तरह के यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर में हम दो तरह से पढ़ने वाले हैं, एक जो बर्थ देंगे यंग वन को, दूसरे जो एग प्रोड्यूस करेंगे, फिर एग से नेक्स्ट यंग वंस प्रोड्यूस होंगे। तो दो तरह से रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। थ्रू रिप्रोडक्शन एनिमल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ये रिप्रोडक्शन ही है जिससे जो एनिमल है वो कंटिन्यू रखते हैं अपनी एग्जिस्टेंस को अर्थ के ऊपर। सपोज करो इस तरह से हो कि जो एनिमल हैं वो पैदा हुए हैं, आगे वो अपने तरह के एनिमल्स को पैदा ना कर सकें तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब वो एनिमल डाई हो जाएंगे तो उस तरह के और एनिमल प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो अगर उन्हें अपने को कंटिन्यू रखना है तो क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी। रिप्रोडक्शन से ही उनकी जो है कंटिन्यूटी चलती रहेगी। दिस अलो लाइफ टू गो ऑन, इसी से लाइफ चलती रहेगी। एनिमल प्रोड्यूस बाय, तो एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। या तो वो बर्थ दें यंग वंस को या फिर लेइंग एग्स, वो एग्स को ले करें, एग को प्रोड्यूस करें। तो एक डू यू नो में है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको, एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। हमारा जो लैंड एनिमल है उसमें एलिफेंट को हम लार्जेस्ट मानते हैं। इट्स न्यू बॉर्न बेबी वेट अप्रोक्सीमेटली 300 kg। इसका जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे का ही वजन 300 kg होता है, 300 किलो। तो आप सोच के देख सकते हैं जो बड़ा एलिफेंट होगा उसमें कितना वजन होगा। तो इसीलिए इस एनिमल को, एलिफेंट को, लैंड पे लार्जेस्ट एनिमल कहा गया है। अब हम रीड करेंगे, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, कि वो एनिमल जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ एनिमल्स यंग वन को क्या करते हैं, बर्थ करते हैं, पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट्स गिव बर्थ टू किटन्स, डॉग गिव बर्थ टू पपीज, एनिमल लाइक काउ, लाइन, हॉर्स, एलिफेंट एंड गॉट आल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ये सारे के सारे एनिमल्स हैं जिसमें नाम लिया है हमने, लाइन है, हॉर्स है, कैट है, डॉग है, ये क्या करते हैं अपने ही तरह के यंग वंस को बर्थ देते हैं। The young one of these animal develop inside their mother's body. जो इनकी जो मदर होती है
जो इनकी माता होती है उसकी बॉडी के अंदर ये क्या होते हैं, जो यंग वंस वो डेवलप होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। तो एक टाइम आता है फिर वो उनको क्या करती है, बाहर से देखती है। सच एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली आर कॉल्ड मैमल्स। कि ऐसे एनिमल जो यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, पैदा करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मैमल्स। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि हम जो हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग भी क्या करता है, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। फीचर्स ऑफ मैमल्स यानी कि मैमल्स की क्या क्या फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। यानी कि जितने भी मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि जो उनका जो ब्लड है वो वार्म होता है, गर्म होता है। देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल क्लाइमेट कंडीशन। भी क्लाइमेट की कंडीशन यानी कि हमारे चारों जो वातावरण है उसकी कंडीशन जैसे मर्जी हो जाए, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक जैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, सर्दी आती है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है, ऐसे हमें सर्दी महसूस होती है, लेकिन हमारी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर मेजर करें थर्मोमीटर से तो जितना हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो उतना ही मिलेगा। ऐसे ही जब गर्मियाँ आएंगी समर के टाइम में, हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, हमें गर्मी तो महसूस होती है, लेकिन अगर हम थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें तो वो कॉन्स्टेंट मिलेगा, वो बिल्कुल सेम होगा जो नॉर्मल ह्यूमन बींग का होता है। तो इसीलिए जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो चाहे जैसी मर्जी हो, बट जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। सेकेंड, हेयर और फर ऑन देयर बॉडी हेल्प देम कीप वार्म। यानी मैमल्स की बॉडी पे जो फर होती है, जो हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको वार्म यानी गर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं सिप वगैरह हैं, गोट है, ठीक है, तो इनकी बॉडी पे बहुत सारे फर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनकी बॉडी को गर्म करने में यानी कि वार्म रखने में हेल्प इनकी करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैमल्स हैं। थर्ड, मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भी जितने भी मैमल्स हैं वो अपने जो यंग वंस हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी पैदा हुए हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी काफ़ी लंबे टाइम तक उनकी देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दे फीड देम विद देयर मिल्क, वो अपना मिल्क दूध उनको पिलाते हैं। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, और उनको क्लाइमेटिक चेंजेस वातावरण के अंदर जो जो चेंजेस आती है वो उनसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये सभी मैमल्स के अंदर खासियत है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या कोई अदर तरह के एनिमल्स हैं, वो सभी अपने यंग वंस को काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। अब ये है हमारे पास टाइम टू आंसर, तो इसको आपने फिलअप को खुद फिल करना है, जितना अभी तक हमने पढ़ा है क्या आप इसको फिल कर पाएंगे, चलो आपकी हेल्प करते हैं। डैश लुक आफ्टर देयर यंग वंस प्रॉपरली, कि कौन है जो यंग वंस की लुक आफ्टर करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है क्या था, मैमल्स। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड डैश। ये प्रोसेस जिससे लिविंग बींग अपने ही तरह के लिविंग बींग्स को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये तो चैप्टर का ही नाम है, क्या कहेंगे उसको, रिप्रोडक्शन। मैमल्स आर डैश ब्लडेड एनिमल्स, ये अभी फीचर्स में हमने पढ़ा है। मैमल्स कैसे होते हैं बेटा, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि वो वार्म ब्लड वाले एनिमल्स होते हैं। तो बेटा ये जो टॉपिक है यानी कि जो पेज नंबर आपको दिए हैं कल, ठीक है, 32-33, ये दोनों के दोनों पेज आपको अच्छे से रीड करने हैं और इस वीडियो को अच्छे से लर्न करना है। हैव ए नाइस डे।